दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्या आप भी फोन पे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पेटीएम से। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा कि आप पेटीएम से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फोन पे अकाउंट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलते हैं, पेटीएम ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम पेटीएम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही पेटीएम ओपन करेंगे तो आप सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों, पेटीएम में आपको वॉलेट, पेटीएम वॉलेट में आपको मनी रहना चाहिए, तभी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपका पेटीएम ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आप देख सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पे, यूपीआई, मनी ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर थोड़ा सा टैप करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ दोस्तों आप यूपीआई से यूपीआई मनी ट्रांसफर, पेटीएम से आप फोनपे में, फ़ोनपे के यूपीआई में भेज सकते हैं। दोस्तों चलिए, यहाँ पर हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे, भेजने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए मनी ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेम, मोबाइल नंबर, और यहाँ नीचे में लिखा हुआ है कि और इंटर बैंक अकाउंट या नहीं तो यूपीआई आईडी। तो दोस्तों, अगर आप दूसरे को अगर भेजना चाहते हैं फ़ोनपे पे, तो आपका यूपीआई आईडी उसका कैसे पता चलेगा, तो आप उधर से कह सकते हैं कि जैसे इस तरीके में होता है, देखिए यहाँ पे ये मेरा यूपीआई आईडी हो गया, उसी तरीके से फ़ोनपे में होता है यूपीआई आईडी। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी आप कह सकते हैं उसको भेजें। तो जैसे ही आप कहेंगे उसको भेजने के लिए, तो यहाँ पर आपका गैलरी में आ जाएगा, नहीं तो आप कहीं पर नंबर नोट करके, तो यूपीआई आईडी है जो है आपके यहीं पर नोट करके पेपर पेन पर लिख के आप जो है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप अगर फोटो खींच के उसको गैलरी में रखे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप नोट किए हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बाद नहीं तो ये जो स्कैन वाला आप देख रहे हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको लेके जाएगा गैलरी में। तो जैसे ही आप जहाँ पर अपना फ़ोटो रखते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फ़ोटो वाले आइकन पर। तो जैसे ही दोस्तों फ़ोटो वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे, तो के सामने दूसरा कोई इंटरफेस आपके खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप अपना यूपीआई आईडी जो है, फ़ोनपे का यूपीआई आईडी, आपका जो क्यूआर कोड है जो उसने भेजा है, तो वो आप फोटो में सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये दोस्तों मेरा दोस्त भेजा है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है यूपीआई आईडी जो है यहाँ पर ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे अमित कुमार के नाम से है यूपीआई आईडी यहाँ पे ले चुका है। तो इस तरीके से आप ये जो यूपीआई आईडी देख रहे हैं वहाँ पे आप दे भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, हम अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना भेजना है, 69 भेजना है, 69 रुपीज़ यहाँ पे हमको यहाँ पे भेजना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद दोस्तों, ऐड मैसेज पे आप क्लिक करेंगे, आप कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, 69 रुपीज़ सेंड मनी। तो चलिए हम लिख देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आप जितना भी अमाउंट भेजना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ करना है, ये बटन दबा दिए वो। उसके बाद आपका जो है यूपीआई पिन जो आपने बनाया है 6 अंक का, वो आपको डालना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे डाल देते हैं। और ये देने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और पेड सक्सेसफुल हो चुका है, आपका जो है भेजा चला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यू डिटेल पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा देखिए मैसेज भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे फ़ोनपे मर्चेंट, तो यहाँ पर आपका 69 रुपीज़ जो है आपका भेजा चला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके से पेटीएम से अगर आप फ़ोनपे में भेजना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं, यह वीडियो आपको अगर मदद किया होगा, हेल्पफुल रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप इसी तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर किसी टॉपिक पे। तो जय हिंद, जय भारत।